तो नमस्ते सभी लोगों को, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मी, यू आर वाचिंग हु केयर्स। और गाइस, अभी मैं कहां पर हूं और किस जगह पर हूं, यहां पर दिखाई दे रहा होगा इतना मोटा मोटा लकड़ी वगैरह, अगर नहीं देखे एक ये छोटा मोटा एक ट्री हाउस है। ठीक है, मैं यहां पर आया था वीडियो बनाने के लिए और देखने को मिल रहा है किस टाइप का नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये है हम लोगों का ट्री हाउस जो कि अभी पूरा है डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी मैं इंट्रो यहाँ से सेट कर रहा हूँ, लेकिन और गाइस, इसके बाद भी अभी हम लोग जाने वाले हैं आगे 8 नंबर, जो कि एक अच्छा सा प्लेस है, वहां पर जाके हम लोग अभी इंस्टाग्राम के लिए और शॉर्ट वीडियो स्टेटस के लिए अभी हम लोग वहां पर जाके वीडियोस वगैरह बनाएंगे। दिखाई दे रहा है ना भाई, पहले यहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधे वगैरह था, लेकिन अभी सब काट दिया गया है। गाइस, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अभी वीडियो बनाने के लिए, और अभी हम लोग अभी पुल पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर लिया मेरा यहाँ पर दोस्त लोगों ने, और यहाँ पर भाई ने अभी यहाँ पर कुछ क्लिप वगैरह रिकॉर्ड कर चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम लोग जाएंगे फिर उधर का क्लिप निकालेंगे, उसके बाद हम लोग और एक जगह में जाने वाले जो कि आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये मेरा सेगा है जो कि अभी हम लोग ने इसी पर ताज़ा ताज़ा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किया है, जो कि हम लोग अभी इंस्टाग्राम में आप लोगों को शायद देखने को मिलेगा। हम तीनों का इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गर्मी के कारण हम लोग बहुत थक चुके हैं, इसीलिए अभी हम लोग छांव पर आराम करे हुए, तो यहाँ पर 5-10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे उस तरफ। ओके, तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं, मतलब कि निकल रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर। अभी जो भी वीडियो वगैरह था आप लोगों ने शायद देख भी लिया, तो कैसा लगा वो सब वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम में। तो हम तीनों भाई लोगों का इंस्टाग्राम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे मस्त बल्ले हो दुईटा अन्त तिमीलाई चाहिँ अब सिकर के लिने हो त ल्याउन दुईटा सिकर टुङ्गरमा बसेर खाँदैन। और गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ही हरा भरा, ये देखने में एवरग्रीन विलेज से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हम लोग का पड़ोसी विलेज है। फिलहाल ही में अभी यहाँ पर नया रोड देखने को मिल रहा है, पहले आने समय तो भाई खट्टा गुट्टी था, अभी बन रहे ना भाई। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, बहुत सारे लेबर यहाँ पर, हम लोगों का विलेज में एक फैक्ट्री रहता है, जो कि ये जो भी पत्ती वगैरह दिखाई देना है, इस पत्ती से चाय, मतलब चाय पत्ती बनता है, तो उसी के लिए चाय पत्ती को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लेबर वगैरह लगाया हुआ है। तो बहुत सारे लेबर अभी दिखाई दे रहा है, अभी शायद उन लोगों का खाने का टाइम है, इसीलिए सभी लोग अभी जा रहे हैं। भाई हम तो कन्फ्यूज हो रहे हैं भाई, ये बंदे लोग बोल रहे हैं कोई लेफ्ट बोल रहा है कोई राइट बोल रहा है, मैं बहुत साल के बाद में आ रहा हूँ ना, इसलिए जो यहाँ पर जो भी टिकाड़े वगैरह दिखाई दे रहे हैं सभी रास्ता सेम दिख रहा है भाई। तो आप कौन सा रास्ता सही जाएगा या कौन सा गलत, वो तो अभी इंड में जाके मालूम पड़ेगा, लेकिन इंड से पहले पेट्रोल ना खत्म हो जाए। ओ दादा, इन्हें टूंगर का नहीं आए? अच्छा, बड़ा का टूंगर बस्ती का फाइनल। अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली एक बंदे को पूछ लिया, तो बोल रहा है कि इन्हें बोल रहा था, पता नहीं अब कहाँ से कहाँ पहुंचे हम लोग, अब आगे जाके ही मालूम पड़ेगा। 2 दिन भयो म यो बाटो हिँडेको, आज लगाएर पहिले भिडियो बनाउनु आएको थियो, त्यति खेर चाहिँ भानुको च्यानल थियो, हो भानुको हो कि कस्तो थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले भिडियो बनाएको थियो, त्यही विवेकको च्यानलमा अपलोड गरेको थियो, त्यतिखेर म युट्युब च्यानल के अपलोड, मतलब युट्युब खोलेको थिएन मैले, त्यतिखेर मतलब भिडियो मात्रै बनाएको थियो, हो केटाहरूले च्यानल खोलेको थिएन, अनि चाहिँ हामीले चाहिँ अन्त भिडियो रेकर्ड गरेको, लाइक एल्बम टाइपको क्या त, तेरी मेरी दोस्ती भन्ने गाना लगाएको थियो भाइ, आत्म गए। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों को टाइगर वगैरह देखने को ना मिले, ओ यो टर्निङ भनेको नि, गाइस
गाइस आप लोगों को बोल दूं कि ये जो बगान एरिया दिखाई दे रहा है ना भाई, सुबह को जितना प्यारा दिखाई देता है, जितना ब्यूटीफुल दिखाई देता है, रात में उतने बहुत डरावना रहता है। बिकॉज कभी कुछ भी हो सकता है, लाइक हाथी बाघ यहाँ पर निकलता रहता है, इसीलिए सावधान। अगर रात को आप किसी के साथ भी आते हो, किसी की मतलब किसी के साथ मतलब कि किसी के साथ, शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से आना, बिकॉज आप लोगों को तो बोलने का जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो फाइनली अभी हम लोगों को तो टूंग दिखाई दिया, और इधर एक मुझे लग रहा है कि आगे वो पुल है, पुल मतलब कि वो काट से बनाया हुआ पुल है, मुझे लग रहा है वैसा ही। तो देखते मैं गलत नहीं हूँ तो इसका बगल में थोड़ा वो काट का पुल है, आगे तरफ काट का पुल होगा, वो मैंने बोला था ना, व्यूअर्स को भी बोल रहा होगा शायद, पहले आते हैं और अभी हम लोगों को बोल रहा है कि काट का पुल है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हम लोग का डेस्टिनेशन पे, बहुत इधर उधर इधर उधर तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं हम लोग का डेस्टिनेशन, सेकंड डेस्टिनेशन पे। आप लोग ने देखा था पहले वहां पर वो वाला सेम ऐसे ट्री हाउस, वहां भी थोड़ा वीडियो शूट कर लिया था, और हम लोग इधर उधर वो अंकल लोग को पूछ के हम लोग आ चुके हैं हम लोग का सेकंड डेस्टिनेशन। तो चेक इट आउट गाइस, देखिए यहाँ बहुत जगह बहुत पीसफुल है, एवरग्रीन सब जगह हरा भरा हुआ जगह है। तो आप लोग आइए दिखाऊंगा, आप लोग बने रहे वीडियो का लास्ट तक। जैसे कि भाई ने बोली दिया, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, जो कि वहां पर दिखाई दे रहा है हम लोगों का टूंग घर। वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है टूंग घर, यानी कि ट्री हाउस, जैसे कि भाई ने सब इसके बारे में बताया। जैसे कि यहाँ पर अभी पुल दिखाई दे रहा है ना भाई, ये पुल एक्चुअली ये ब्रिटिश जमाने का पुल है, बहुत ही पहले का पुल है, और वो जो ट्री हाउस दिखाई दे रहा है वो भी बहुत पहले का था, 5-6 साल आगे भी आया था, तब अभी ऐसा कैसा ही था, अभी देखने को मिल रहा है अभी ऐसा कैसा ही था। ऊपर जाते हैं हम लोग गाइस, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर सभी चीज यहाँ पर अभी आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखाया हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एज अ सिनेमैटिक, ठीक है? तो मिलते हैं डायरेक्ट सिनेमैटिक के थ्रू। गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाना था, पता है 650 का चप्पल दिखाना है आप लोगों को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बंदे का 650 का चप्पल, स्पेशली ब्रांडेड, लेकिन लाया था 150 का, 150 की 250 कितना है, 650 का बोल के हम लोगों को दिखा दिया, लेकिन 150 का चप्पल। लेकिन मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा।